केले के छिलके में सिर्फ दो चीज़ें मिला करके चेहरे पर लगा लेंगे तो चेहरे की सारी झाइयाँ, झुर्रियाँ, दाग धब्बे, काले निशान ख़त्म हो जाएगी। सो चलिए देखते हैं इसे कैसे प्रिपेयर करना है और कैसे बनाना है। सो गाइज, इसे बनाने के लिए आपको यहाँ पे लेना है राइप बनाना, लेकिन हमें यहाँ पे बनाना का इस्तेमाल नहीं करना है, हमें इसके छिलके का इस्तेमाल करना है। तो इसके लिए हम छिलके लेंगे इसके, और एक लॉन्ग साइज़ का आपको छिलका, लेकिन थोड़ा सा वो चौड़ा भी हो, इस तरीके से आपको निकाल लेना है। एंड इसके बाद इसे आपको टू पार्ट में डिवाइड करना है। तो एक नाइफ लेंगे एंड इसके बाद इस छिलके को हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे इस तरीके से। एंड आपको अगेन इसमें स्प्रेड करना है हनी, यानी कि शहद। शहद हमारी स्किन के लिए क्लिंजिंग का भी काम करती है और डीप मॉइस्चर भी होती है। ये हमारे स्किन को लंबे समय तक मॉइस्चराइज की रहती है और ड्राई नहीं होने देती है। तो आपको यहाँ पे शहद लेना है और दोनों बनानों के छिलके के ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर देना है। तो दोनों ही छिलकों में मैंने यहाँ पे अच्छे से इसे स्प्रेड कर लिया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो हमें यहाँ पे लेना है कॉफ़ी। तो आप किसी भी ब्रांड का कॉफ़ी पाउडर यहाँ पे इस्तेमाल कर सकती हैं। कॉफ़ी पाउडर हल्की सी दरदरी होती है, इसलिए हम उसे फिंगर की हेल्प से थोड़ा सा इस तरीके से रब करेंगे ताकि ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में रेडी हो जाए। तो यहाँ पे मैं फिंगर से, देखिए बहुत ही ईजिली हो जाता है इसे इस तरीके से पाउडर फॉर्म में बनाना। एंड इसके बाद कॉफ़ी को लेकर के आपको बनाना के ऊपर, यानी कि छिलकों के ऊपर इस तरीके से स्प्रेड करना है ऑल ओवर पूरे बनाना में, अच्छे से जहाँ जहाँ हमने शहद को अप्लाई किया है उस जगह पे अच्छे से इसको पोर कर लेना है, बिल्कुल इस तरीके से। तो हमारा यहाँ पे जो फेस पैक हम जो बना रहे हैं वो रेडी हो गया है। तो आप देख सकते हैं अच्छे से ये रेडी हो गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, इसे चेहरे पे अप्लाई करने के लिए। सो सबसे पहले अपने पूरे चेहरे और नेक एरिया को अच्छे से क्लीन करेंगे। कोई भी पैक लगा रहे हो चेहरे पे तो सबसे पहले अपने चेहरे की जो धूल मिट्टी गंदगी है उसको बाहर निकालिए, उसके बाद पैक को अप्लाई करना है। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से अपने चेहरे और नेक एरिया को साफ कर लिया है, क्लीन कर लिया है। अब हम इस पैक को अपने चेहरे पे अप्लाई करेंगे। मसाज करने, तो 3 मिनट तक आपको बनाना जो पील है उससे मसाज करना है एंड लास्ट 2 मिनट आपको अपने हाथों से इस तरीके से मसाज करना है। और मसाज करने के बाद आपको इसे वाइप कर लेना है या फिर वॉश कर लेना है, इसे आपको ड्राई होने के लिए नहीं छोड़ना है। तो मैं मिलती हूं आपसे वॉश करने के बाद। इसे वॉश करने के बाद आपको कोई भी मॉइस्चराइजर, लोशन या एलोवेरा या रोज वाटर अपने चेहरे पे लगा लेना है ताकि जो पैक आपने अपने चेहरे पे लगाया है वो लॉन्ग टर्म के लिए वैसे ही रहे और स्किन को और ज्यादा हील करता रहे। तो मैं यहाँ पे रोज वाटर अपने चेहरे पे अप्लाई कर ले रही हूँ। तो मैंने इसे एक स्प्रे बॉटल में डाल के रख लिया है और इस तरीके से अपने चेहरे पे हम स्प्रे कर लेंगे रोज वाटर का। और उसके बाद टैप टैप करके अपने चेहरे को इस तरीके से ड्राई करेंगे। इससे आपके चेहरे की जो रिफ्रेशमेंट है वो भी बढ़ जाती है, एक अच्छी सी फ्रेग्रेंस मिलती है और आपका पैक और ज्यादा बेनिफिशियल हो जाता है और ज्यादा इसमें जो गुड इसकी क्वालिटीज हैं वो और निखर के आती है। तो बस पैक हो गया है बिल्कुल यहां पे डन ऑल ओवर।
शहद जो होती है हनी, वो बहुत अच्छी मॉइस्चराइजर होती है, एक डीप मॉइस्चराइजर होती है। ये आपकी स्किन को लॉन्ग टर्म के लिए मॉइस्चराइज करती है, हील करती है, हाइड्रेट करती है। ये आपकी स्किन को ड्राई नहीं होने देती है। ये आपकी स्किन के दाग धब्बों के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छी होती है। इसका इस्तेमाल मोस्टली आपकी स्किन में ब्लेमिशेस को, हाइपर पिगमेंटेशन को दूर करने के लिए किया जाता है। सेकेंड नंबर पे बढ़ते हैं और आती है हमारी कॉफी। तो कॉफी एक बहुत अच्छी रिमूवर होती है ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स। कॉफी आपके स्किन के डेड सेल्स को रिमूव करती है। कॉफी आपके पोर्स को साफ बनाती है, साफ सुथरा करती है। अंदर के पोर्स की जितनी भी इम्प्योरिटीज है, गंदगी है, उसको बाहर निकाल देती है। इसके अलावा कॉफी आपकी स्किन को टाइट करती है, ब्राइटर करती है और अंदर से चमक, आपकी जो स्किन की नेचुरल ग्लो है उसको बढ़ाने का काम करती है। कॉफी आपकी स्किन में एक एस्ट्रोजन का काम करती है, जिससे कि आपकी स्किन अंदर से हेल्दी होने लगती है। थर्ड नंबर पे आता है हमारा बनाना। तो बनाना एंड बनाना पील, तो हमने यहां पे इस्तेमाल किया है बनाना पील। बनाना एक एंटी एजिंग, फाइन लाइंस, रिंकल्स के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपकी स्किन समय से पहले लूज हो रही है, उम्र से पहले लूज हो रही है, फाइन लाइंस की प्रॉब्लम है, तो आपको बनाना अपने बॉडी में कंज्यूम भी करना चाहिए, यानी कि डेली एक बनाना खाना चाहिए और साथ ही बनाने को पील करके, इसे मैश करके अपने चेहरे पे लगाना भी चाहिए। अगर हम बात करें बनाना पील की, तो बनाना पील जो होता है वो दो तरीके से काम करता है। ये एंटी रिंकल और एंटी पिगमेंटेशन के लिए काम करता है, यानी कि आपके चेहरे की झाइयों के साथ साथ आपकी झुर्रियों को भी पूरी तरीके से खत्म करने का पावर रखता है। तो गाइस, आज की छोटी सी रेमेडी आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रही हो, नॉलेजेबल हो, इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माई चैनल, साथ में आएगा एक बेल आइकन जिसे आपको ऑल पे क्लिक करना है। इससे जो भी न्यू वीडियोस आएगी उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा और आप सबसे पहले मेरी वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। चलिए फिर से मिलते हैं एक अनदर वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।